Please welcome three-time champions, Patna Pirates! Teen Baki champions, Patna Pirates. तीन लगातार मैचेस इनकी तरफ से नहीं गए हैं उनके नतीजे, लेकिन आज उसे बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार तीन बार के चैंपियंस हैं। चैंपियंस की तरह की थी शुरुआत, अपने शुरुआती दो मुकाबले जीतकर, लेकिन उसके बाद राह थोड़ी सी डगमगा चुकी है, उसे पूरी तरह से आज संभालने के लिए तैयार है। प्रमुख कंटेंडर है सचिन तंवर, तीन लगातार हारे पिछले पांच मुकाबलों में, लेकिन इस लाल रंग को बदलना चाहेंगे। It's the number 8 time. Please welcome your home team, the Tamil Dalaivas. Tamil Dalaivas, एक ऐसी टीम जो लगातार निरंतरता के साथ प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, लेकिन इस टीम में वो मात्रा है, वो क्षमता है। दो बेहतरीन रेडर इस टीम के अंदर शामिल हैं, नरेंद्र कंडोला अद्भुत फॉर्म में हैं और अजिंक्य पवार एक इस तरह के रेडर हैं जो जिस दिन चलते हैं उस दिन बस वही चलते हैं। दो मैचेस जीते हैं, दो में शिकस्त झेलनी पड़ी है। टीम का डिफेंस थोड़ा सा कंसोलिडेट करना होगा, अगर किया तो बेहतर प्रदर्शन देखने मिलेगा। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, तमिल तलाइवाज ने टॉस जीता है, यानी कि पहली रेड करने के लिए आने वाले हैं पटना पायरेट्स अब से कुछ ही देर में। तमिल तलाइवाज अपने होम लेग की शुरुआत कर रहे हैं और सचिन तंवर पटना पायरेट्स के लिए पहली रेड पर। राइट से रेड करते हैं सचिन तंवर और कुल मिलाकर देख लीजिए पटना पायरेट्स की शुरुआत धमाकेदार हुई थी, दो जीत, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक तीन शिकस्त। बोनस लेकर के चले गए और यहां पहली ही रेड में ढेर हो गए, रेडर आउट, वन पॉइंट पटना पायरेट्स। पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूट पड़ा। नरेंद्र राय और तुरंत ही नरेंद्र को निशाना बनाया गया, किशन धूल ने की शुरुआत इस टैकल की, उसके बाद टूट पड़ा पूरा डिफेंस। अपना खाता खोलते हुए पटना पायरेट्स वनक्कम कहना होगा आप सबसे, क्योंकि हम यहां मौजूद हैं तमिलनाडु में और सचिन आ चुके एक बार फिर से हैंड टच के बाद, चाहे इस बार लेकिन घेर लिए गए सचिन और डिफेंस में पहले पॉइंट, वन पॉइंट तमिल तलाइवास। तो चलिए डिफेंस में जबरदस्त हौसला दिखाया इस शुरुआत में अशन कुमार, पिछले सीजन में बीच सीजन में शामिल हुए थे तमिल तलाइवास के साथ और पूरी टीम को बदल करके रख दिया था, बोनस लेकर के स्केप रूट पर थे और क्या बढ़िया वेस्ट होल्ड किया। एम सुधाकर आए हुए हैं रेड पर, बिल्कुल युवा रेडर और स्थानीय है एम सुधाकर, सपोर्ट उसका आप अनुमान लगा सकते हैं उठते हुए शोर का। और खाता खोलिए अपना सुधाकर, बिल्कुल संजय दत्त, तिरुचिरापल्ली चेन्नई तमिलनाडु से आते हैं सुधाकर, इसी वजह से इतना ज्यादा समर्थन उनका। यहाँ पर एक आसान हैंड टच मिल गया उन्हें, आखिरी कुछ पल बाकी इस रेड के। नरेंद्र इस बार अपना संतुलन खो गए और दूसरी बार नरेंद्र को डिफेंस ने पटना पायरेट्स के बिल्कुल पॉइंट लेने नहीं दिया। दिक्कत ये है कि एक भी पॉइंट रेड पे नहीं है और ये देखिए किस तरह से शफलिंग कर रहे थे, बोनस की कोशिश कर रहे थे, बोनस लाइन को घेरा हुआ था और सागर ने तुरंत एंकल होल्ड किया, पहली सफलता। ये डुओडाई है, डुओडाई की कुंजी यही है जो प्रयास इन्होंने किया एकदम शुरुआती लम्हों में, आप जाइए डिफेंस को टच करने की कोशिश कीजिए तभी कामयाबी मिलेगी, कामयाब मिली यहाँ सचिन को। डुओडाई रेड में सचिन एक अलग ही फॉर्म में दिखते हैं, यहाँ पर भी इतना खूबसूरत इनका हैंड टच लेने का तरीका है, सबसे ज्यादा पॉइंट अपने करियर में हैंड टच के लिए, एक बार फिर से उसका एक नमूना दिखाते हुए। पिछली रेड में बोनस लेकर के आए थे हिमांशु और इसलिए फिर वही कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत बैक किक, जबरदस्त बैक किक लगाई हिमांशु ने, नंबर फोर आउट, वन पॉइंट तमिल तलाइवास। डिफेंस को उम्मीद थी कि शायद बोनस के लिए जाएंगे, लेकिन किशन धूल देखते रह गए, अपनी हाइट अपने लचीलेपन का शानदार फायदा उठाया हिमांशु रे उस बैक किक के साथ, लेकिन यहां क्या ये एक सुपर रेड है सचिन की ओर से, सचिन जरूर दावा कर रहे हैं
अंपायर्स की ओर इशारा कर रहे थे, हर एक डिफेंडर्स की ओर उंगली दिखाकर, लेकिन नतीजे का होगा इंतजार। ये है सुपर ओवर संजय दा, बिल्कुल सचिन तंवर ने शुरुआत कर दी है एक शानदार सुपर रेड। पटना पायरेट्स ने अपने स्कोर को कंसोलिडेट कर लिया है। ये देखिए सागर गए डबल थाइस में, लेकिन जो मोशन था, जो गति थी सचिन की, वो मिड लाइन की तरफ थी, एंगल थी। और ये सुधाकर के माता पिता इस मुकाबले को देखते हुए कितनी खुशी हो रही होगी इन्हें, बिल्कुल प्रार्थना का दौर चल रहा है। और यहां पर रॉफ टैकल की गुंजाइश है, देखना यह होगा कि क्या टैकल किया जा सकता है या डिफेंस बचता हुआ दिखाई देगा। डिफेंस थोड़ा सा संयमित है, एंकल लिया पहले हिमांशु ने, पहले एंकल लिया, उसके बाद ढेर कर दिया गया रॉफ सुपर टैकल कामयाब, मगर की जकड़ से निकल पाना आसान नहीं। हिमांशु को पॉइंट्स गए दो डिफेंस के अंदर। एक ऑलराउंडर की भूमिका शानदार तरीके से निभाते हुए एंकल होल्ड किया, उसके बाद बिल्कुल भी उस जकड़ को नहीं हटाए। और सुधाकर रेड के अंदर और उनके माता पिता की आंखें देख लीजिए, ऐसा जैसे परख ठहर सी गई हो इस नजारे को देखने के लिए। न जाने कितने सपने देखे होंगे इन दोनों ने और आज वो सपने पूरे हो रहे हैं। और ये देखिए सुधाकर, इनकी गति, इनका स्विफ्टनेस और इनकी कामयाबी, सब कुछ देखिए इस एक रेट के अंदर। दिशा बदल कर दशा बदल दी और ये प्रार्थनाएं कबूल हो गई, स्वीकार ली गई है प्रार्थनाएं माता पिता की, सुधाकर की ओर से। क्या खूबसूरत फुटवर्क, जंप लगाए उसके बाद और ये टच लेकर फिर से दो खिलाड़ी केवल सक्रिय है तमिल फ्लाइवर्स के। सुपर टैकल क्या हो सकता है, स्ट्रगल अभी भी जारी, लगातार ये संघर्ष जारी, लेकिन पूरी तरह से नींद ही उड़ा ली गई और एक और सुपर टैकल, ये है रॉक सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बचना है नामुमकिन। बस्तानी ने कमाल किया इस बार, ये दूसरा सुपर टैकल बस्तानी का, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आमिर हुसैन बस्तानी ने क्या शक्ति प्रदर्शित की। और अब मुकाबला देखिए कहां पर पहुंच गया है, सिर्फ एक पॉइंट के फासले पर। यहां छह का डिफेंस, अजिंक्य पवार के थिरकते हुए पैर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कहां छलांग लगा दें कह पाना मुश्किल। कसमें खा रहे हैं कि हमने बाहर किया मनीष को, बिल्कुल मान ली गई उनकी बात। दो बार तमिल तलाईवास ऑल आउट की चौकट तक पहुंचकर उस दरवाजे से यू टर्न लेकर पहुंच चुके और अब स्कोर को कर लिया है पटना पायरेट्स के बिल्कुल नजदीक। और ये डू और डाई रेड पे सचिन आए, एक रेड जो है सक्सेसफुल रही है डू और डाई इस, एंड ऑफ कोर्स ये डू और डाई के एक्सपर्ट सचिन तंवर, लेकिन तमिलनाडु में है अब आप काफी डीप निकल गए थे, अच्छी तरीके से समझते हैं ऐसी मुसीबत वाली सिचुएशन में फंसता किसी रेडर के लिए। देखिए बहुत प्रेशर था मेरे हिसाब से सचिन के ऊपर, क्योंकि ऑल आउट करने में कामयाब रहे ने इसके पहले, और ये भी बहुत प्रेशर रेड था और फंस गए वहां जाके। तमिल तलाईवास 11-11 की बराबरी पर टू और डाई, अंत तक निकल गए शुरू हुई है यहाँ पर अपने होम मैच पर, सात खिलाड़ियों के साथ नहीं 7,000 स्पेक्टेटर्स के साथ खेल रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त एस्केप, ये पूरी तरह से लॉबी का फायदा उठा के मिड लाइन को क्रॉस किया हिमांशु ने। यहाँ ऑल आउट के करीब है पटना पायरेट्स, तमिल थलाईवास को ऑल आउट के करीब धकेला था, लेकिन तमिल थलाईवास ने काउंटर अटैक किया है, हिमांशु ने नीरज को बाहर किया, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त कमबैक तमिल थलाईवास का। एक वक्त पहले ऐसी स्थिति तमिल थलाईवास की थी और अब पटना पायरेट्स को ऑल आउट के करीब धकेल दिया है, बहुत ही अच्छा कमबैक रहा है तमिल थलाईवास। यहाँ पटना पायरेट्स अपने आप को ऑल आउट से बचा पाएगी कि नहीं, संदीप कुमार फुल हाउस है तमिल थलाईवास का, बोनस ऑन है लेफ्ट कॉर्नर और बिल्कुल सही लेफ्ट कॉर्नर ने गिरफ्त करने की कोशिश की लेकिन अकेले पड़ गए। बोनस प्लस पॉइंट पटना पायरेट्स नंबर टू, वही खेल रहे थे, वही डेंजर एरिया था उनके लिए, बिल्कुल टेम्प्ट हो गए थे साहिल, बहुत ज्यादा एडवांस गए। सब्स्टिट्यूशन पटना पायरेट्स, बैक होल्ड की कोशिश थी पर
जकड़ बना नहीं पाए और बैलेंस खोया। ओहो बढ़िया धकेला गया यहां पर, एक डिफेंडर बाहर, त्यागराज बाहर, लेकिन अभी भी गेम ऑन है। पर्सूट ऑन, ओ बिल्कुल दोनों को बाहर किया हिमांशु ने। कहां तमिल सलाइवा ऑल आउट की कगार पर खड़ी थी और कहां से पलटी मारी तमिल सलाइवा से। जिंदगी में घर बनाने का मौका और पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो डरना क्या, ले पंगा। डिफेंडर से गलती करवाई, डिफेंडर से गलती करवाई है यार, रेडर को पॉइंट जरूर मिलेगा। चला आ जा, आओ चलो कबड्डी खेले। और ये लोकल बॉय का जो माहौल यहां पर बनाया है, खेल रहे हैं पटना पायरेट्स की तरफ से, लेकिन जो माहौल यहां पर सुधाकर को मिल रहा है, नंबर 10 आउट, 1 पॉइंट, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे फॉर हिम। तमिलनाडु में, चेन्नई में खेल रहे हैं, भले ही पटना पायरेट्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन मेरे पीछे आसपास इनके नाम के पोस्टर्स लगे हैं। ऋषांक सुधाकर आए रेड पे, फुटवर्क बहुत ही बेहतरीन, शफल करते हैं और क्लेम कर रहे पॉइंट। मोहित को दूसरी बार वो टच पॉइंट, बढ़िया यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं, तमिल थलाइवास के खिलाफ खेल रहे हैं सुधाकर, लेकिन उसके बावजूद यहां चेन्नई में उनके चाहने वाले, उनके फैंस उनके लिए चीयर कर रहे हैं। यही सुंदर बात है इस खेल की, अगले 7 दिन बहुत ही रंगीन होने वाले। क्या वो उंगली पार हुई, छोटे बड़े हर साइज के कबड्डी फैंस आज यहां आए हैं। वेट लीजिए, इससे ज्यादा एक्साइटिंग कबड्डी का गेम आपने शायद देखा ना हो। आज चेन्नई में हमारी पहली रात है और पहले मुकाबले में ही तमिल थलाइवास और 3 बार के चैंपियंस पटना पायरेट्स के बीच में ये कांटे की टक्कर चल रही है। तू डाल डाल में पात पात, कुछ ऐसा माहौल हो रहा है। कबड्डी को पढ़ा है इन्होंने, जाना है और कहा है कि सचिन तंवर वो झूठा बोनस करेगा, उसके झांसे में मत आना। सचिन से बचने की बात कही है उन्होंने, बिल्कुल मंत्रा, मुझे ऐसे लगता है बोनस की नहीं कही थी। आगे जब रनिंग हैंड टच के लिए आते हैं सचिन, तब वो पहले झूठा जाते हैं, उसके बाद पूरा अटैक लेते हैं आगे जाके, तब उसे डबल थाई होल्ड करने अजिंक्य को सलाह दी है उनके कोच ने। अजिंक्य पवार अभी रेड पर है। विजय तमिल थलाइवास के फैंस जानते हैं कि आज ये 7 खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं मैट पर, इन 7 खिलाड़ियों के साथ नंबर 7 ये हजारों की संख्या में आए। होल्ड बाय जर्सी, ओके, जर्सी नंबर 7 ग्रीन कार्ड, जर्सी होल्डिंग, ये जर्सी पुलिंग के लिए ग्रीन कार्ड दी है सुधाकर को। ये सबसे बेहतरीन दौर है थलाइवास के लिए, ये 21 से 30 मिनट का खेल रहता है। सागर और साहिल के मझधार में मनजीत ने डुबकी लगाई और पार हुए। बिल्कुल, सबसे बेस्ट फेस था ये तमिल थलाइवास के डिफेंस का, उसी में गलती करवाई मनजीत ने। तमिल थलाइवास प्लीज कम, सेफ रेड करने आए थे पर पॉइंट लेके गए, बहुत ही आसान रहा उनके लिए पॉइंट स्कोर करना। और लीजिए कौन आया मैट पर, नरेंद्र खंडोला तमिल थलाइवास के स्टार रेडर है और ऑल आउट बचाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नरेंद्र के ऊपर होगी। तमिल थलाइवास को पता है कि ये आउट हुए कि तमिल थलाइवास को अब वापस से मौका मिलेगा जिंदगी में एक खेल शुरू करने का। और याद रखें, कबड्डी के मुकाबले में तो आपको एक बार मौका मिल जाता है पूरी तरीके से आउट होकर वापस आने का, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा। यहाँ मंजीत आए हैं, सुधाकर आने वाले थे लेकिन उन्हें रोक कर मंजीत ने ये चांस लिया है। ये कॉन्फिडेंस है उनके लिए और इस कॉन्फिडेंस का जर्सी नंबर 7 आउट, पूरा फायदा उठाया मंजीत ने। बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, जरूरत नहीं थी, फुटवर्क भी किया नहीं था ना, बोनस की कोशिश थी। जितनी देर रेड देख रहे थे उतनी रेड में खेल आगे बदल गया, मम्मी बेटी हर कोई आया है इस मुकाबले को देखने। और ये
कबड्डी के खेल में आपने नजर हटी, दुर्घटना घटी। टैकल पॉइंट्स अगर आप देखें कृष्ण के, पटना पायरेट्स की तरफ से 6 टैकल में 4 टैकल पॉइंट है उनके नाम, और उसी कृष्ण से बचना होगा अजिंक्य पवार को। बहुत बहुत बढ़िया, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ से दरवाजे बंद कर दिए, बच के जाओगे भी तो कहां। बिल्कुल एक कॉम्बिनेशन टैकल देखने मिला है, 1 point, कवर डिफेंडर भी आया और दोनों आए साथ में, लेफ्ट कॉर्नर और कवर, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। दोनों को पता था कि ये टैकल हम इनिशिएट कर सकते हैं। 9 points की लीड अब ले ली है पटना पायरेट्स ने, हाफ टाइम तक तकरीबन बराबरी पर थी दोनों टीमें, 13 मिनट अभी बाकी है। सचिन तंवर 4 के डिफेंस में, डिफेंस का ये बेस्ट फेज है तमिल थलाईवास का, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से पॉइंट लूज कर रहे हैं ये चिंता की बात है। और यहां बढ़िया पकड़ बनाई, हाइस पर गए, मोमेंटम पूरी तरह से तोड़ा और सपोर्ट पूरे डिफेंस का आ गया। इस पॉइंट को चेक किया जा रहा है फिलहाल, लेकिन पटना पायरेट्स ने लीड बना ली है। इस मौके पर सचिन आए थे, उनके ऊपर ही एडवांस ब्लॉक किया गया और ये नतीजा आ चुका है। तमिल थलाईवास को डिफेंस के 1 पॉइंट दिए गए, यानी कि 1 और पॉइंट नजदीक आएंगे पटना पायरेट्स के। लेकिन तारीफ करनी होगी पटना पायरेट्स के डिफेंस की आज, खासकर कृष्ण धूल और अंकित जिस तरीके से चले हैं, यहाँ पर भी रोक लिया गया, डैश आउट करा दिए गए रेडर। बिल्कुल तमिल थलाईवास की सबसे बड़ी परेशानी उनके रेडर्स हैं, ये साबित हो चुका है। नरेंद्र कंडोला को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया जो कि टॉप मोस्ट रेडर हैं टीम के, यहां बोनस तो था नहीं लेकिन स्केप रूट पर पूरा का पूरा डिफेंस मौजूद था, दोनों पैर उठ गए थे यहां पर रेडर के, ये तो तय है रेडर वैसे भी आउट है, क्या कोई डिफेंडर भी बाहर गया ये देखना होगा। तमिलनाडु एक ऐसा स्थान जहां पर चाहे वो मदुरै हो चाहे कोयंबटूर, हर जगह से कबड्डी के खिलाड़ी उजागर होकर आते हैं, यहां बोनस जरूर मिला लेकिन रेडर को आउट दिया गया है। हिमांशु नरवाल सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए हैं, तो ये है रेडिंग की कहानी आपके, अगर टॉप मोस्ट रेडर्स नहीं चलेंगे तो ये फासला कम नहीं होगा। डिफेंस पर आप अकेले सब कुछ नहीं छोड़ सकते और यहाँ पर डिफेंस ने गलती की। मंजीत 2 points लेकर के गए, सागर को बाहर किया और मोहित को बाहर किया। दूसरी बार तमिल थलाईवास को ऑल आउट के नजदीक ले आ चुके हैं पटना पायरेट्स। इस बार मंजीत जो खुद भी सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे, उनके उन्होंने पहले एक हैंड टच किया था, स्थापित कोशिश की थी लेकिन उसके बाद एडवांस टैकल उनके ऊपर हुए और इनकी चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितने अहम ये 2 points है कि फिर से तमिल थलाईवास की केवल 2 खिलाड़ी सक्रिय। 9 points का अंतर है तमिल थलाईवास को जिसे पार करना है और फिलहाल रॉफ सुपर टैकल का खौफ भी है पटना पायरेट्स के लिए। लेकिन ऑल आउट 2+2 आ गया ऑल आउट तमिल थलाईवास के लिए, ऑल आउट एक बार फिर। और ऑल आउट का जहां तक सवाल है, जिंदगी में घर बनाने का शोहरत कमाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में आप ऑल आउट के बाद ऑल इन हो जाते हैं, इसलिए डरना क्या, पंगा लिया जा सकता है, ले पंगा आप भी। तमिल थलाईवास 9 मिनट बाकी हैं, वापस आप लौट सकते हैं, लेकिन आज पायरेट्स का डिफेंस अद्भुत प्रदर्शन कर रहा है। 1 point पटना पायरेट्स। कृष्ण धूल ने अपना हाई फाइव पूरा किया और पायरेट्स ने अपना दहाई का अंक छू लिया डिफेंस में। हिमांशु जिन्होंने तमिल थलाईवास को लगभग वापसी कराई थी, इस बार उन्हें शांत किया गया और पटना पायरेट्स अब 14 points की लीड पर, लेकिन यहां सचिन उस लीड को बढ़ाते हुए, क्या ये मल्टी पॉइंट लीड है। सबसे मुश्किल का समय है इस समय तमिल थलाईवास के लिए, मंजीत आए हैं इस समय और ये देखिए एक बार फिर एंकल लेने की कोशिश, 1 point, 2 झटके दिए मंजीत ने, कामयाब। बिल्कुल पायरेट्स ने अपने स्टार्टिंग 7 में एक परिवर्तन किया था और ये बैक किक लगाई, बैक किक लगा करके बाहर किया किशन धूल को, और जो इकलौता चेंज आज किया था बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े थे, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैक किक, पैरों पर नजरें जमाए रहे लेकिन करना क्या है किशन धूल को ये समझ नहीं आया। सजन चंद्रशेखर को आज रिप्लेस किया गया, 16 फेल टैकल थे उनके और यहां डिफेंस ने काम किया लंबे समय के बाद। 1 point तमिल थलाईवास। पहली बार मंजीत को आउट किया गया है तमिल थलाईवास के डिफेंस के द्वारा, मुस्कान के साथ इसे स्वीकारते हुए गए यहां से बाहर, लेकिन हैंड टच के साथ यहां चेन को नहीं छोड़े डिफेंस ने,
और नजदीक ले आए। तमिल तलाइवा 13 पॉइंट्स का फासला है, लेकिन इनके पीछे तमिलनाडु की पूरी फौज जो है वो इन्हें जरूर प्रेरित करेगी। रेडर्स पर काम करना होगा और अगर मुकाबला इसी तरह से चला तो पायरेट्स आज पहुंच जाएंगे नंबर 6 पर। 17 पॉइंट्स हो जाएंगे उनके इस जीत के साथ। बोनस भी लिया, एक पॉइंट भी लिया साहिल गुलिया ने। वहां बिल्कुल मिड लाइन के नजदीक वो टैकल किया सुधाकर के ऊपर, जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। कितने नजदीक थे वो मिड लाइन से और सुधाकर को कुछ भी नहीं करना था। 19 असफल टैकल, जिसके सामने पटना पायरेट्स ने 9 असफल टैकल्स किए हैं, लेकिन यही अंतर इन दोनों ही टीमों में फिलहाल। और यहां पर एक पॉइंट मिलेगा जरूर, ऐसा लगा कि शायद उसमें टैकल हो सकता है। मुकाबला अंकित की ये एडवांस कोशिश बेकार चली गई, बहुत आगे चले गए थे अंकित, ऐसे आप कैसे नियंत्रण करेंगे। और ये तो मंत्रा इनको पॉकेट डायनामाइट बोलते हैं, सचमुच इनकी गति पर नियंत्रण नहीं होता जिनके पवार की। पटना पायरेट्स की ओर से आज रेडर्स ने क्या शानदार काम किया है, 26 रेट पॉइंट्स, जिसके सामने केवल 16 रेट पॉइंट्स आ पाए और वो 26 हो गया 27 फिलहाल, क्योंकि राइट कॉर्नर को लेकर गए हैं इसी बीच यहां पर सुधाकर। और सुधाकर बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं अब सुपर 10 के साथ। शानदार ये फुटबॉल, बोनस भी लेने का प्रयास किया और सागर कप्तान एंकल होल्ड के लिए गए थे। एक और सफलता मिली है जिनके पवार को, क्रिशन डॉयल टैकल करें न करें यही सोचते रहे और हाथ लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र कंडोला को आपने एक बार सब्स्टिट्यूट किया तो फिर वो अंदर नहीं आए, और वो स्ट्राइक रेडर है आपकी टीम के, अगर इस तरह से उनका मनोबल टूटेगा तो अगले मैचेस में आपके लिए परेशानियां होंगी। अपने पेरेंट्स के सामने, अपने माता पिता के सामने सुपर 10 लगाया अपने लोगों के बीच, और यहां लगातार पॉइंट लूज कर रहे हैं राइट कॉर्नर से। डू ऑर डाई का मौका है, केवल 2 खिलाड़ी पटना पायरेट्स के सक्रिय हैं। अगर ऑल आउट के कुछ अतिरिक्त पॉइंट्स मिल गए तो शायद उस फासले को 7 के अंदर का रख सकते हैं, लेकिन सुधाकर के सामने चाहे जो डिफेंडर आ जाए उसे पार पाकर सुधाकर अपने खेमे में आ जाते हैं। एक बार फिर से वही किया, क्या शानदार रिफ्लेक्सेस है, देखिए टर्न एंड ट्विस्ट देखिए और लॉबी का इस्तेमाल देखिए, और ये देखिए भगवान की आराधना जो लगातार चल रही है, उनको नमन किया उनकी मां ने, इसी दिन के लिए तो बेटे को पैदा किया था, कितना गर्व होगा। और ये सुपर टैकल, एक नहीं 2 पॉइंट्स मिलेंगे मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल। और सुपर टैकल के भी एक हिस्सा थे सुधाकर, हालांकि एंकल होल्ड हुआ था उसके बाद सुधाकर जाकर जुड़ गए, सुपर टैकल हुआ, पटना पायरेट्स और आगे ले जा चुके हैं इस लीड को। पल्टन के साथ खेलेंगे 26 को, स्टीलर्स से खेलेंगे 29 को और योद्धास से खेलेंगे एक साल बाद यानी कि 2024 पहली जनवरी। जी हाँ, लेकिन इसी बीच यहाँ एक शानदार स्ट्रगल देखा हमने तमिल तलाइवास कुछ पॉइंट्स लेकर इस मैच के अंत के नजदीक हो जाएंगे। पटना पायरेट्स रेडिंग में भी शानदार काम किया, डिफेंस में भी बेहतरीन प्रदर्शन, और ऐसे ही मिश्रित प्रदर्शन की उम्मीद रहती है किसी भी टीम को। और ये आखिरी रेट संजय दा, एक औपचारिक रेट। बिल्कुल सभी, बहुत ही शानदार मुकाबला हमने देखा यहाँ पर। पटना पायरेट्स ने किस तरह से वापसी की और 3 शिकस्त के बाद ये जीत दर्ज की है पटना पायरेट्स ने। 3 बार के चैंपियन हैं पायरेट्स, एक बार फिर जीत के रास्ते पर मजबूती से निकल चुके हैं। देखना है उनका ये विजय रथ कब तक चलता है और कहां तक चलता है।